ये देखिए, ये बनाए हैं मैंने कच्चे चावल के पापड़। और ये ढेर सारे पापड़ सिर्फ थोड़े से ही चावलों से तैयार हो जाते हैं। एक मैं आपको तल कर दिखाती हूँ। तेल में डालते ही इसका साइज़ दोगुना हो जाता है। लग रहे हैं ना बहुत टेस्टी। एक मैं आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ये। चलिए फिर जानते हैं इसकी रेसिपी। चावल के पापड़ बनाने के लिए हमने ये रात भर भीगे हुए चावल लिए हैं और इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। हमने ये एक कप के नाप से 2 कप चावल लिए हैं। ग्राम्स में ये टोटल 200 ग्राम चावल हैं। आप भी कोई एक कप का नाप रख लें, क्योंकि हम इसी कप के नाप से इसमें पानी भी ऐड करेंगे पीसते टाइम। चावल पीसने के लिए हमने ये छोटा जार लिया है, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल महीन पीसना है। पहले इसे बिना पानी ऐड करे पीसेंगे। देखिए, पहले मैंने बिना पानी ऐड करे चावल को पीस लिया है, और अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर इसे बिल्कुल महीन पीस लूँगी। हम उसी कप से पानी डालेंगे जिस कप से हमने चावल लिए थे, और इसमें 2 कप हमने चावल लिए हैं तो सारे चावलों को पीसने के लिए 2 कप ही पानी डलेगा। देखिए, मैंने अभी आधे चावल पीस लिए हैं, और मैं आपको दिखा दूँ, बिल्कुल बारीक पीसना है आपको। पहले बिना पानी ऐड करें, उसके बाद पानी ऐड करके, बिल्कुल इस तरह से। अब हमने एक बोल ले लिया है और उसके ऊपर छन्नी रख देंगे। और अब जो हमने चावल पीसे थे उन्हें छान लेंगे। छानने से अगर इसमें हल्के से भी दरदरे चावल रह गए होंगे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और ऐसे ही हम सारे चावल पीसते जाएंगे और उन्हें साथ साथ छानते भी जाएंगे। लीजिए, हमने सारे चावल पीस लिए हैं, और जो मिक्सर जार में चावल लगे थे उन्हें भी मैंने इसी पानी से वॉश कर इसमें डाल दिया है। और अब हमारे पास 1/2 कप पानी रह गया है, उसे भी हम डाल देंगे। टोटल जितने कप आप चावल लें उतने ही कप इसमें पानी डलेगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इन पापड़ को और टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम कुछ इन्ग्रीडियंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने डाला है 1 और आधा चम्मच। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने डाला है 1 और आधा चम्मच। और फिर हम डालेंगे ज़ीरा। इससे पापड़ में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और ज़ीरे के बिना तो पापड़ बिल्कुल अधूरे हैं। तो ये भी मैंने 1 और आधा चम्मच डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम कोई भी एक भगोना ले लेंगे और उसमें डाल देंगे 3 गिलास पानी। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के घर में नहीं होता, तो मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। बहुत आसान तरीका है पापड़ स्टीम करने का। मोमोज, इडली वगैरह भी बहुत आसानी से इसमें स्टीम कर सकते हैं। पानी डालने के बाद इसके ऊपर हम रख देंगे इस तरह की छन्नी। ये आटा छानने वाली छन्नी है, जो ऑलमोस्ट सभी के घर में अवेलेबल होती है। और इसे अब हम कवर कर देंगे किसी भी ढक्कन से। मैंने एक तशले से कवर कर दिया है, और अब इसे हम 5 मिनट के लिए फुल गैस पर स्टीम बनने के लिए छोड़ देंगे। जब तक स्टीम बन रही है, तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इस तरह की ये कटोरी ले ली है, और अगर आपके पास ये कटोरियाँ नहीं है तो आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं, बस उसका बेस जो हो वो प्रॉपर फ्लैट हो। अब इन कटोरियों में हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे। ये मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, और इसे अच्छे से प्रॉपरली ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद 1-1 टेबलस्पून हम इसमें बैटर डाल देंगे। ज़्यादा भरना नहीं है, इतना डालें कि वो कटोरी में अच्छे से फैल जाए। हमें पतले पापड़ बनाने हैं। पतले पापड़ जल्दी स्टीम भी होंगे और जल्दी सूख भी जाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं इसे स्टीम होते हुए। इसे खोल लेते हैं। छन्नी को बिल्कुल स्ट्रेट रखें ताकि पापड़ इवनली स्टीम हो। अब हम 3 कटोरियाँ इसमें रख देंगे। मैं 3-3 कर पापड़ स्टीम करूंगी। आप स्पेस के अकॉर्डिंग उतनी कटोरियां रख सकते हैं।
अब इसे ढक देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। 3 मिनट हो गए हैं, अब इन्हें चेक कर लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया स्टीम हुए हैं ये। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। लीजिए ये ठंडे हो गए हैं। अब मैं आपको इन्हें निकालने का तरीका बताती हूँ। बहुत आसान है। छुरी की नोक से पहले इस तरह से इसकी साइड को निकाल लीजिए, फिर छुरी को हल्का सा अंदर डालकर एक हिस्सा पकड़ लीजिए और इसे घुमाते हुए इस तरह से निकाल लीजिए। बहुत आसानी से ये निकल जाते हैं। फर्स्ट टाइम में ही आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने ऑयल लगाया है तो ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। देखिए मैं आपको एक और निकाल कर दिखाती हूँ, अगर आपके समझ नहीं आया तो। पहले छुरी को इस तरह से घुमाते हुए इसकी साइड्स अलग कर लीजिए, फिर हल्की सी छुरी अंदर डालकर और एक हिस्सा इसका पकड़ लीजिए और फिर इसे घुमाते हुए इस तरह से निकाल लीजिए। बहुत आसान है ये निकालना। देखिए मैंने सारे पापड़ स्टीम कर लिए हैं और करीबन 40-45 पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2 कप चावल में हमने कितने सारे पापड़ बना लिए। अब इन्हें हम एक प्लास्टिक की शीट पर फैला देंगे अलग अलग कर कर। अगर आपके पास ये प्लास्टिक की शीट नहीं है तो आप चावल का जो आटे का कट्टा आता है प्लास्टिक वाला, उसे उल्टा कर कर बिछा सकते हैं। अब मैं इन्हें धूप लगाने के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से सूख जाए। इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अगर ये हल्का सा भी गीला रह गया तो आप जब इन्हें तलेंगे तो ये फूलेंगे नहीं। अगर आप इन्हें छांव में सुखाना चाहते हैं तो आप छांव में भी सुखा सकते हैं, और फैन के नीचे आप इन्हें रखकर सुखा सकते हैं। लेकिन धूप में सुखाएंगे तो आप इन्हें साल भर रखकर खा सकते हैं, और छांव में सुखाएंगे तो आप 1-1.5 महीने में इन्हें ख़त्म कर लीजिएगा। और जो बचे हुए पापड़ हैं उन्हें मैंने इस थाली पर हल्का सा ऑयल लगाकर सुखाने के लिए छोड़ दिया है। आप चाहे तो ऐसे भी सुखा सकते हैं। सारे पापड़ को मैंने अब धूप लगाने के लिए छोड़ दिया है। 2 दिन में ये बिल्कुल अच्छे से सूखकर तैयार हो जाएंगे। लीजिए सूखकर तैयार हो गए हैं सारे पापड़, जिन्हें आप एक एयरटाइट कंटेनर में रखकर साल भर खा सकते हैं। और देखिए ये कितने कड़क हो गए हैं। पापड़ को फ्राई करने के लिए पहले तेल को बिल्कुल अच्छे से गरम कर लीजिएगा और उस गरम तेल में पापड़ को डालिएगा, और आप देखेंगे पापड़ एकदम से फूलकर 2 गुना हो जाएगा। और अगर आपके पापड़ में हल्की सी भी नमी रह गई है, वो अच्छे से सूखा नहीं है, तो पापड़ फूलेगा नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पापड़ को बिल्कुल अच्छे से सुखा लीजिएगा, उसके बाद उन्हें तलिएगा। बस इसी तरीके से हम सारे पापड़ तलकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दिएगा। तो फिर जाइए और बनाइए ढेर सारे टेस्टी पापड़ इस इजी सी रेसिपी से, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसे लगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।